अभी अभी मेरे ट्विटर पे आया, अरे अरे सुना है आपका टाइटल बदल गया। तो मैंने कहा हाँ यार बदल गया, हाँ सुना है गालियों की रासलीला हो गया। तो मैंने बोला गालियां नहीं है, ये गोलियों की रासलीला है। मामला सुलट गया, पिक्चर रिलीज हो रही है फ्राइडे नवंबर 15 को। मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शक जाकर प्लीज देखें, एंजॉय करें, हमें प्यार दें। फिल्म खत्म होने के बाद यू नो आई फेल लाइक दिस होल बर्डन वॉज ऑफ माई शोल्डर्स, यू नो बहुत ही इमोशनली एक बहुत ही एक रोलर कोस्टर जैसा था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब कल फिल्म रिलीज़ हो रही है। ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही पॉजिटिव था। आज तक मैंने जो भी किया है, मेरे फैंस ने, मेरे ऑडियंसिस ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। एक फेज़ था जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, 4 फिल्में 5 फिल्में बैक टू बैक, और तब भी उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया, उतना ही सपोर्ट किया। आज तक किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि व्हाई डिड यू डू दिस फिल्म। हमेशा ट्विटर पे यही आता है कि वी स्टिल लव यू इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर फिल्म्स डू, वी लव यू। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल देख रहे हैं, जैसे हम अब फिलहाल बात कर रहे हैं तो क्रिटिक्स देख रहे हैं, तो किसी का कॉल आया नहीं है। रणवीर और मैं तब से फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो फिलहाल तो आई थिंक इंटरवल भी नहीं हुआ है। हमको ये पता है कि हमारी फिल्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है कि सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म पास की है, हमको एक UA सर्टिफिकेट मिला है, 15 नवंबर को रिलीज़ होगी जो है कल। इसके अलावा हम हमारा किसी का लेना देना नहीं है। हम वी डोंट नीड टू गेट इनटू कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम संजय सर। आई थिंक हम सब जानते हैं कि जब संजय सर किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, ही फॉल्स इन लव विथ हिज एक्टर्स, एंड सो आई थिंक वो शायद इसलिए कह रहे होंगे, बट इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम हिम, सो थैंक यू सो मच। एक तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अचीव किया है, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, यू नो, एंड आई होप कि आगे जाके भी आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले सच चैलेंजिंग रोल्स एंड गेट सम अमेजिंग फिल्म्स लाइक आई हैड इन दिस वन ईयर, और आई हैव अ लॉट मोर टू अचीव। वो तो मतलब मुझे 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 चाहिए कि एक ऐसा डायरेक्टर जो मुझे निचोड़े, और मिस्टर भंसाली आपको निचोड़ते हैं और निचोड़ते हैं और निचोड़ते हैं, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पुश करे बियॉन्ड माई लिमिट, बियॉन्ड माई बाउंड्री, और मेरे से वो निकाले जो मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं करूँ। तो मिस्टर भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर, जितना भी जितना मुश्किल रहता है ना, जितना चैलेंजिंग रहता है, उतना ही फुलफिलिंग रहता है। मतलब उनके साथ काम करके लगता है यार हाँ कुछ काम किया है। यार मुझे तो अपनी मूछे से बहुत लगाव हो गया है, मुझे आई फील लाइक इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी। अब आई थिंक 25 तारीख को ये मुंडवाई जाएंगी फिल्म किल दिल के लिए। तो यार अगर अगर मुझे लुक एज़ पर कैरेक्टर बदलना नहीं होता, एज़ रणवीर वक्त बिताना पड़ता, तो मैं यही लुक में होता, लंबे बाल यहाँ तक, लंबी दाढ़ी, ऐसे दो कान में दो बाली, तो ये मेरा लुक होता। तो अब तो 1.5 साल के लिए आई हैव गॉटन सो अटैच टू इट, अभी थोड़ा थोड़ा तो बुरा लगेगा ही लगेगा, मुझे तो नहीं लगता खैर। क्योंकि मेरे लिए मिस्टर भंसाली एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रेयर फिल्म मेकर है। मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी है, मैं बचपन से हिंदी फिल्में देखते आ रहा हूँ, देखते देखते मुझे लगा कि मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो आई एम अ बिग एडमायर ऑफ हिंदी फिल्म, और हिंदी फिल्मों में वो एक स्टैंड आउट डायरेक्टर हैं, स्पेशल हैं, रेयर हैं। तो उनकी जब वो इतनी ही फिल्में बनाएंगे अपनी लाइफ टाइम में, तो उनकी जब एक फिल्म आती है, मेरे लिए एज एन एडमायर, एज अ फैन ऑफ हिंदी क्लासिक हिंदी फिल्म, एक इवेंट होता है यार संजय लीला भंसाली की पिक्चर आ रही है। तो फॉर मी उनका दर्जा ये है, तो मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये मेरी पिक्चर है या उनके अलावा किसी भी और की पिक्चर है। तो आई थिंक वो जैसे ख़ास करके जैसे एक्टरों के साथ रहते हैं, जैसे एक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं, तो वो आई मीन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट, तो मैं ये और भी ज़्यादा कहूँगा कि अगर तो पिक्चर निकले, लोगों को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे, तो मैं पॉसिबली सारा ही श्रेय मिस्टर भंसाली को दूंगा। उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला, मैं खुद अपने आप मैं प्रेशर महसूस कर रही थी, पता नहीं क्यों। पहले दिन से ही जब मैं सेट पे गई, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है उनके लिए। यू नो आई होप आई डोंट लेट हिम डाउन, बिकॉज वी नो वॉट हिज मदर्स नेम मीन्स टू हिम, वॉट हिज मदर मीन्स टू हिम। मैं इसमें ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। आई थिंक फॉर मी वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म। क्या मैं इस चीज़ को, क्या इस फिल्म में रिपीट वैल्यू है,
क्या मैं इस फिल्म को बार बार देख सकती हूँ, क्या ये एक फिल्म क्लासिक है, क्या 10 साल बाद मैं ये फिल्म फिर से देख सकती हूँ. आई थिंक फॉर मी दैट इज़ अ सक्सेसफुल फिल्म. 100 करोड़ कमा के अगर 1 साल के बाद भी अगर मैं उस पिक्चर को देखना नहीं चाहूँगी तो फिर क्या फ़ायदा. या बहुत आई थिंक एवरी वन, यू नो, आई थिंक कमिंग बैक टू हिज अर्लियर क्वेश्चन कि आई थिंक फिल्म्स आर अ टीम एफर्ट. यू नो, आई थिंक इफ अ फिल्म फेल्स यू कांट ब्लेम 1 पर्सन फॉर दैट फेलियर. इफ अ फिल्म सक्सीड्स इट इज़ अ टीम एफर्ट, यू नो. एंड अगर आज सबको हमारा केमिस्ट्री बहुत सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिल्म देखने के बाद अगर लोगों को इफ दे अप्रिशिएट द फिल्म या जो भी है, इट्स अ टीम एफर्ट एंड दे हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर परफॉर्मेंस लार्जली. मैं अभी इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जब मैं रेडी हूँ मैं कहूँगी. काफ़ी समय मैं इमोशनली रेडी नहीं हूँ और फ़िलहाल करियर के लिए भी मैं किसी चीज़ में कमिट नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ और मैं किसी चीज़ को हाफ हार्टेडली नहीं कर सकती. अगर मैं किसी चीज़ को कमिट करती हूँ देन आई हैव टू गिव इट 100%, जो मैं फ़िलहाल नहीं कर सकती.